ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई। नतीजों में भारी शिकस्त के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आने लगी है। दावा तो यहां तक होने लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। विपक्षी पार्टियां केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद की बात करके खूब चुटकियां ले रही थीं। इसी बीच लखनऊ और दिल्ली के बीच कई अहम बैठक हुई, लेकिन पिछले दिनों बीजेपी उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच अहम बैठक हुई। दोनों की माने तो इस सुपर 30 मीटिंग में सरकार और संगठन के कई महत्वपूर्ण नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग का अहम मुद्दा उपचुनाव था और इस मीटिंग में उपचुनाव के लिए कई अहम फैसले लिए गए। दावों की माने तो आगामी उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझवा सीट जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का फूलपुर इलाके में मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है और काफ़ी समय तक उनका इस इलाके में ज़बरदस्त दबदबा रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में आए थे, तब से अमित शाह के साथ उनकी ज़बरदस्त ट्यूनिंग बताई जा रही है। इसलिए शायद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट के उपचुनाव की कमान सौंपी गई थी। 2022 में फूलपुर सीट बीजेपी जीतने में सफल रही तो मझवा सीट उसके सहयोगी निषाद पार्टी ने जीती थी। इन दोनों ही सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते अब उपचुनाव होने हैं। फूलपुर सीट पर बीजेपी 2017 और 2022 में जीतने में सफल रही थी तो मझवा सीट पर 2017 में बीजेपी जीती थी। 2022 में निषाद पार्टी के विधायक चुने गए थे। मझवा सीट पर सपा का खाता कभी नहीं खोला, जबकि फूलपुर में 2012 में उसका विधायक चुनाया गया। फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई। केशव प्रसाद मौर्य खुद भी फूलपुर से सांसद रह चुके हैं और इसी इलाके से आते हैं। फूलपुर में दलित और यादव मतदाता अहम हैं, लेकिन कुर्मी यहाँ पर तुरुप का इक्का साबित होते रहे हैं। ब्राह्मण और मुस्लिम बड़ी संख्या में, जिसके चलते सपा जीत दर्ज करती रही है। मझवा सीट के समीकरण देखें तो ब्राह्मण, मल्ला, कुशवाहा, पाल, दलित और ठाकुर वोटर अहम हैं, जिन्हें साधकर ही जीत की इबारत लिखी जाती रही है। 2002 से 2017 तक बसपा का कब्जा रहा है और उसके बाद 2017 में बीजेपी और 2022 में निषाद पार्टी ने सीट जीती थी। बीजेपी ने केशव मौर्य के जरिए ओबीसी वोट को साधकर अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की रणनीति बनाई है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये सीटें जीतना भी काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस मजबूती से उप मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हैं। उस मजबूती को बचाए रखने के लिए कभी कभी ताकत और अपने प्रतिनिधित्व को सख्ती से दिखाना भी ज़रूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।